हेलो दोस्तों, मैं हूं नील और आप देख रहे हैं राहुल कम्युनिकेशन। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों ये बेल घंटा भी साथ में मिला दें क्योंकि ये बेल घंटा इसलिए है जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपको। हेलो दोस्तों, मैं हूं नील और आप देख रहे हैं राहुल कम्युनिकेशन। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आप ITR City पे खुद रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से एक ऐप की मदद से जो गूगल प्ले स्टोर पर अनलेवल है। और दोस्तों, सिंपल तरीके से उसको डाउनलोड करके यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन हो जाइएगा। तो दोस्तों, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों खुद आप अपने टिकट को बुक कर सकते हैं कहीं भी, तत्काल या कुछ भी आप टिकट बुक कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तरी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सिंपल आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको अच्छे से देखिए तब समझ पाएंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सिंपल तरीके से इस ऐप को जैसे ही लॉन्च करेंगे तो प्रॉपर्ली यहाँ पे आपको इस तरह के इंटरफेस खुलेगा। तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर इस पर हम क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ओपन होगा ये, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है अपना नाम और पासवर्ड, तो आपके पास है नहीं तो यहाँ पे दोस्तों नीचे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन, तो इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सिंपल तरीके से बता दूँ कि यहाँ पर आपका जो फर्स्ट में है यहाँ पर आपका नाम डालना है। नाम कैसे डालना है और ध्यान रखिए, पहले बता दूँ नाम कैसे डालना है आपको। तो नाम आपको बता दूँ, आपको बताने के लिए पूरा मुझे डिटेल पूरा दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नाम के लिए पहले यहाँ पे ये पूरा कैपिटल अक्षर में लिखना होगा। जैसे मेरा नाम नील है तो मैं इसको नील लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पर उसके बाद जो अक्षर है जो नहीं होगा वो आपको जो यहाँ पर जो यूजर आई डी नहीं होगा वही यहाँ फिल करना है। तो प्रॉपर्ली दोस्तों GLL KJ, तो मैंने इसको फिल करता हूँ तो यहाँ पे ये हो गया प्रॉपर्ली, देख सकते हैं यहाँ पे यूजर आईडी बन गया। कभी कभी यूजर आईडी कुछ गलत डालते हैं तो प्रॉपर्ली कहेगा कि ये ऑलरेडी है, तो आप कम से कम दो तीन अक्षर इधर उधर करके डालें तो प्रॉपर्ली आपका यूजर आईडी बन जाएगा। ये बहुत मेन है, इसको आपको ध्यान रखना है इस यूजर आईडी को। और यहाँ मैं पासवर्ड क्या डालना है प्रॉपर्ली बता दूँ कि यहाँ मैं पासवर्ड डालना है दोस्तों कैपिटल और छोटा अक्षर दोनों मिला के। तो प्रॉपर्ली मुझे जैसे मेरा नाम नील है तो प्रॉपर्ली डालता हूँ नील, देख लीजिएगा NEE मैंने डाला है, एन डाला मैंने बड़ा और बाकी छोटा मैंने डबल ई डाला है। उसके बाद दो नील, उसके बाद मैं डाल दूंगा L और डबल L मैंने डाल दिया। और उसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3, देखते हैं होता है कि नहीं। देख सकते दोस्तों ये पासवर्ड ही बन गया, जिसके मुताबिक इसके रूल के तहत मेरा पासवर्ड बन गया। अब मैं यही पासवर्ड डालता हूँ इस पर दोबारा नील, यहाँ पे 1 2 3 मैंने डालते हैं 1 2 3, ये सिंपल तरीके से भी बन गया। और यहाँ पे नाम जो आपका नाम है जो आधार कार्ड पे नाम है आपका, पैन कार्ड पे नाम है, वो नाम डालिए यहाँ पे। तो यहाँ मैं डालता हूँ राहुल और यहाँ पे मैं डालता हूँ कुमार, यहाँ पे मैं कुमार डालता हूँ, जो आपका नाम है आधार कार्ड पे वही डालिए। और यहाँ पर बर्थडे जन्मतिथि डाल दीजिए प्रॉपर्ली, जो आपका जन्मतिथि आपका आधार कार्ड पर वही डालिएगा, मेरा मत डाल दीजिएगा। यहाँ पे जन्मतिथि और यहाँ पर जन्म कब का है आपका वो डाल दीजिए, मई 2017। यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद दोस्तों ये सेव हो गया। आप यहाँ पे देख लीजिए लड़का या लड़की, तो मैं मेल हूँ तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है इस पर वो डालिए इस पर, क्योंकि उस पर OPD वगैरह जाएगा। यहाँ डाल सकता मैं 84 47 32 36 77, ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसका मेरा बिल्कुल आप कुछ उपयोग ना करें गलत, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये नंबर मैं डाल रहा हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना है, जो आपका ईमेल एड्रेस वो डालिए ध्यान से। यहाँ मेरे पास नील सिंह number1share@gmail.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है और इसमें मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूँगा। आप ध्यान से इससे धरिए, देख सकते हैं मैंने कैसे भरा प्रॉपर्ली, उस तरह धरिए सिंपल से मैं भरी भैया, इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे कह रहा है वैलिड ईमेल एड्रेस, तो प्रॉपर्ली सॉरी .com मैंने नहीं डाला, अब ये सॉरी अब ये वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे कुछ फॉलो है वो हमें फॉलो करना है, तो प्रॉपर्ली देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ इस पर मैं फर्स्ट में क्लिक करता हूँ, मैं इंडियन तो इंडियन में क्लिक कर दूँगा और दूसरा मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको इस आपको जो पासवर्ड याद रखने में आपको मदद करेगा, तो यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, आपको कोई एक आप यहाँ से चॉइस कर लीजिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल, आपका जो फर्स्ट स्कूल था उसका नाम क्या था, यहाँ पर डाल दीजिए।
मंदिर कुछ भी डाल दीजिए जो मंदिर आपको याद रहे, मंदिर इनको क्या पता कि मेरा स्कूल कौन सा था, आप मंदिर के लिए याद रखिए वो पूछ, जब पासवर्ड जब आपसे कभी खो जाए ना तो पूछेंगे ये, तो प्रॉपर्ली ये बताना पड़ेगा। दूसरा तीसरा क्वेश्चन आ गया, तो प्रॉपर्ली आप बताइए, सेलेक्ट कर रहा है कि आप पब्लिक पब्लिक, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और सिंपल तरीके से यहाँ पर जो चौथा है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, मैं सिंगल हूँ, यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ दोस्तों, यहाँ देख सकते नेक्स्ट हो गया। और यहाँ पर जो एड्रेस है आपका, वो एड्रेस आपको फिल करना है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाउस, जो एड्रेस है वो सही से ही फिल कीजिए आप यहाँ पे इसमें। हाउस नंबर पूरा हाउस आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल में, हाउस नंबर 156, गली नंबर 4, शक्ति पार्क, तो मैंने डाल दिया। थोड़ा सा दोस्तों इसमें थोड़ा एड्रेस मैं डाल रहा हूँ, तो थोड़ा सा थोड़ा देर के लिए मैं इसको कट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पूरा एड्रेस इसमें डाल दिया है, और अच्छे खासे एड्रेस जो आपका है प्रॉपर्ली वही एड्रेस इसमें डालिए, मेरा एड्रेस में डालिएगा, और मैं गुड़गांव से हूँ तो प्रॉपर्ली गुड़गांव हरियाणा से, तो मैं इस पर अपना एड्रेस डाल दिया, देख सकते हैं दोस्तों। पोस्ट ऑफिस का नाम भी यहाँ पर डालना है, सब डाल दीजिए यहाँ पे, यहाँ देखते हैं मेरा पोस्ट ऑफिस यहाँ पे कह रहा है पोस्ट ऑफिस कहाँ सा रोड गुड़गांव है, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए गुड़गांव, यहाँ पर मैं डाल दिया प्रॉपर्ली। आप यहाँ लास्ट में नंबर डालता हूँ और यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ दोस्तों ये कह रहा है कि अपना नंबर जो पूरा देख लीजिए, पूरा ईमेल एड्रेस सारा सक्सेसफुल है, कन्फर्म यहाँ पे ओके मैं कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट हो गया, यहाँ पर मैं जो था मैं यहाँ पर जो मैंने लिया था इस पर मैं ओके डाल रहा हूँ, जो मेरा यूजर आई डी था यहाँ पर मुझे मिल चुका है, अब मैं इस पर लॉग इन कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक मैसेज भी आ गया होगा शायद, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मैं आपका आता हूँ बैक थोड़ा। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं ये मेरे मेल पे आ चुका है प्रॉपर्ली कह रहा है, और मुझे ये देख सकते हैं ये मेरा यूजर आईडी है, और यहाँ पर मैं एक हाँ दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड मिल चुका है, यहाँ से मैं अपना यूजर आईडी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों जो ये मेरे मेल पर आ चुका है दोस्तों प्रॉपर्ली देखते हैं, मेरे मेल पर कन्फर्म करने के लिए कह रहा है, तो मेरे मेल पर आ गया है, और यहाँ से हम चलते हैं वहीं पर डायरेक्ट, यहाँ पे हमें डालना है ये अपना यूजर आईडी जो था जो इस पर डाल दिया मैंने, नया मैं मुझे मेरा पासवर्ड था वो मैं डाल रहा हूँ आपके सामने, मैं शो कर रहा हूँ पासवर्ड, मैं चेंज कर दूँगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं आपसे। और यहाँ पे मैं अपना 1 2 3 ये मेरा पासवर्ड था, यहाँ पे मैं शो कर दूँ पासवर्ड, यहाँ पे हो गया। अब प्रॉपर्ली ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लॉगिन हो जाएगा, दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं, मेरा लॉगिन हो गया। अब मैं चाहूँ तो इस पर दोस्तों इस पर सिर्फ मोबाइल नंबर का ओपीटी है और ईमेल एड्रेस का ओपीटी इसमें डालना है, तो यहाँ पे दोस्तों जो ईमेल एड्रेस का ओपीटी था यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं यहाँ पे ओपीटी है मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस का ईमेल एड्रेस वेरीफाई का, इसको आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे हम इसको सेंड वो कर देते हैं, तो ये मेरा हो चुका है। अब ये कह रहा है कि आपका मोबाइल नंबर पे एक ओपीटी गया है, तो शायद देखता हूँ मोबाइल नंबर ओपीटी आया नहीं है, तो दोस्तों देखते हैं मेरा मोबाइल नंबर पे ओपीटी आ गया है 74 39 38, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसके मैं डालता हूँ 74 39, क्या नाम था 74 39 48 74 39 48, ये दोनों में हो गया मेरा ओपीटी। अब मैं इसे वेरीफाई कर देता हूँ, अब ये कह रहा है कि आपका सक्सेसफुल हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका सक्सेसफुल यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई हो गया है, मैं वो कर दे रहा हूँ इस पर। अब दोबारा मैं इसे पासवर्ड डालता हूँ, नील 1 2 3, अब दोबारा इसे पासवर्ड शो करता हूँ मैं एक बार, अब लॉगिन हो जाता हूँ। अब यहाँ से दोस्तों आप आराम से प्रॉपर्ली आप टिकट बुक कर सकते हैं इस तरह। तो दोस्तों कुछ भी क्वेश्चन है मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। दोस्तों यहाँ पर देख तो दोस्तों देख सकते हैं ये खुल रहा है मेरा, थोड़ा वेरीफाई ले रहा है। अब प्रॉपर्ली दोस्तों देखते हैं इंटर पिन और यहाँ पे रीसेट पिन, प्रॉपर्ली जो है 4 डिजिट का पिन आपको इंटर करना है कोई सा भी, सॉरी थोड़ा दोबारा वेरीफाई ले रहा है। अब 4 डिजिट का पिन यहाँ पे इंटर करना है मुझे, जो मुझे याद रहे जो आपको बार बार खोलने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर मैं 8 9 9 7 इस तरह मैं पिन इंटर कर दे रहा हूँ, आप भी इंटर कर दीजिए 8 9 9 7, आप दूसरा इंटर कीजिए, मेरा इंटर मत कीजिएगा ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस पर सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा वेट करने कर रहा, वेट हो गया। अब यहाँ से दोस्तों अपना टिकट बुक कर सकते हैं बड़ी आसानी से, प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे इस पर खुल चुका है मेरा अच्छे तरीके से। अब मैं चाहूँ तो इस पर बुक कर सकता हूँ इसको,
चाहे कुछ भी हो, एक दिन के लिए चाहे कोई सा भी टिकट हो मैं बुक कर सकता हूँ, पूरा तत्काल टिकट भी मैं बुक कर सकता हूँ, कोई सा भी टिकट मैं बुक कर सकता हूँ, इससे अपने लैपटॉप पे भी खोल के मैं इसे बुक कर सकता हूँ। यहाँ से आप कुछ ज्वाइन कीजिए, आप प्रॉपर्ली यहाँ से अपना टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कोई क्वेश्चन हो इसमें साइन अप करने में तो प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को अच्छे अच्छे से थोड़ा देख के उसको समझ आइए, उसको कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छा लगता है, बिल्कुल आसान है दोस्तों इस पर साइन अप करना, और बिल्कुल अच्छी तरीके से आप कुछ भी टिकट, कोई सा भी टिकट आप आसानी से बुक कर सकते हैं, इस पर किसका भी टिकट बुक कर सकते हैं। जल्दी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।